वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स ये देखिए हम ये क्रॉप टॉप बना रहे हैं इसकी हम फुल वीडियो आपको बताएंगे तो इसका जो पैटर्न है वो हमने आपको पहले ही सिखा दिया था तो यहाँ पर हमने इसकी बैक साइड जो है वो बना ली है तो उसकी मैं लेंथ आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी रखी है तो ये देखिए सबसे पहले तो हम इसके फंदों की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसके बॉर्डर के जो फंदे हैं वो 88 एट रखे हैं 88 यानी कि 88 फंदे मैंने यहाँ पर इसके बॉर्डर के रखे हैं और दो उल्टे और दो सीधे फंदों का हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है और नीचे से मैंने ये डिजाइनर फंदे डाले हैं तो ये वाले फंदे मैंने पहले भी आपको डालने बताए हुए हैं अपने चैनल पर तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां जाकर आप सीख सकते हैं तो उसके ऊपर हमने ये देखिए ये वाला पैटर्न बनाया है और इस पैटर्न की जो है वो वीडियो भी मैं लिंक में दे दूंगी उसे वहां जाकर आप सीख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसके पैटर्न को सेट करने के लिए नीचे मैंने 88 फंदे रखे हैं ऊपर मैंने 89 फंदे रखे हैं तो एक फंदा हमने इंक्रीज कर लिया है इसकी बैक साइड में जब जब हम जाते हैं ये वाला बॉर्डर बनाकर तो बैक साइड में हम एक फंदा इसका इंक्रीज करते हैं और सारी बैक साइड हम इसकी उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे तो यहां पर हमने जो बॉर्डर बनाया है वो हमने ये देखिए मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूं कि कितनी रखी है यहां पर हमने इसको ये देखिए फाइव पॉइंट फाइव इंचिस एंड पॉइंट टू इंच ऊपर रखे हैं तो इतना ये दिखिए यहां तक हमने इसको बनाया है यानी कि पौने छ इंच हमने इसको बना लिया है और अगर इसकी रॉ की बात करें तो इसकी जो रॉ है वो हमने फिफ्टी वन रॉ इसकी बॉर्डर की बनाई है सीधी साइड से और एक रॉ हमने उल्टी साइड से उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनाई है तो टोटल हमारी 52 टू रॉस हमने इसकी बनाई है और इसकी बैक साइड में जब हम उल्टी रॉ बनाएंगे तो एक फंदा इंक्रीज कर देंगे तो 89 नाइन फंदे हमारे यहाँ पर रहेंगे तो उसके ऊपर हमने ये बॉर्डर सेट किया है तो इस पर हमारे जो पैटर्न डला है वो हमने एट्टी फंदों में इसका पैटर्न डाला है और इसको ये देखिए बॉर्डर के ऊपर हमने शोल्डर तक बनाया है उसकी लेंथ ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सवा छ इंच इसकी हमने लेंथ रखी है और जो टोटल हमारी लेंथ है वो ये देखिए यहां पर हमने सेवन इंच के इसके इस तरह से इसको अगर मापें तो सेवन पॉइंट फाइव इंचज इसके हमने शोल्डर रखे हैं और टोटल लेंथ जो है जो हमने इसके पैटर्न की बनाई है वो इसकी ये देखिए थर्टीन इंचिस हमने इसकी पैटर्न की लेंथ बनाई है टोटल लेंथ यहाँ से ये देखिए कटाई करके यहाँ तक हमने जो लेंथ बनाई है वो थर्टीन इंचज बनाई है और इस कार्डिगन की जो हमारा क्रॉप टॉप है इसकी टोटल लेंथ ये देखिए यहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो इसकी मेजरमेंट ये देखिए हमने इंचेस इसकी टोटल लेंथ बनाई है तो ये हमारा जो बैक साइड का पल्लू है यहाँ पर हमने जो कटाई की है वो हमने पांच तीन दो एक की इसकी शोल्डर की कटिंग की है पांच तीन दो एक की इसकी शोल्डर की कटिंग की है 5, 3, 2, 1, की और इसको हमने कंप्लीट कर लिया है बैक पार्ट को तो अब हम इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे तो देखिए इसके फ्रंट पार्ट में यहां पर हमने इसका बॉर्डर जो है वो कंप्लीट कर लिया है इसके टोटल हमने 50 रॉस जो है वो बना ली है ये देखिए ये इसकी सीधी साइड है सॉरी ये इसकी सीधी साइड है तो 51 वन रॉस हमने इसकी बना ली है तो जो हमारी लेंथ है बॉर्डर की वो कंप्लीट हो गई है अब हम यहाँ से बैक साइड से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा जो पैटर्न है इसको जो फ्रंट में हम पल्लू बनाएंगे उसको हम फ्लिप ओवर करके बनाएंगे यानी कि बटन पट्टी के साथ ऊपर जो बनेगा उसको वैसे ही बनाएंगे अब देखिए यहाँ पर हम जो वूल यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने जो वूल यूज़ की है वो थ्री प्लाई फैदर की वूल यूज़ की है ये देखिए ये वाली हमने वूल यूज़ की है इस तरह से ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगी ओसवाल की ये वूल है थ्री प्लाई फैदर वूल तो इसको हम टेन नंबर ये देखिए टेन नंबर नीडल के साथ बना रहे हैं तो इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको हम बटन पट्टी के साथ बनाएंगे फ्लिप ओवर करके बनाएंगे बटन पट्टी के साथ इसके जो फंदे हैं वो हाफ हाफ दोनों साइड में हो जाएंगे 44 फंदे इस साइड में और 44 फंदे इस साइड में रहेंगे और एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा रहेगा तो 45 फंदे हमारे इस साइड में हो जाएंगे और 44 फंदे हमारे इस साइड में रहेंगे और 6 फंदे हम इसकी बटन पट्टी के रखेंगे तो उसके साथ प्लस करके हमारे जो फंदे हैं वो 51 यानी कि 51 फंदे हमारे यहां पर हो जाएंगे तो 51 फंदे हम इस साइड में इसके बना हैं। तो यहाँ पर एक फंदा हम ये इसकी रोंग साइड है यहाँ पर हमने सीधी साइड इसकी बुन ली है 51 वन रॉ और ये 52 टू रॉ है इसकी बॉर्डर की तो इसको हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे इस सारी रॉ को और यहाँ पर एक फंदा हम इंक्रीज कर लेंगे बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें एक फंदा और चाहिए इसका इसलिए हम एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे तो टोटल हम इसके फिफ्टी वन फंदे बनाएंगे यहाँ से एक फंदा नीचे से उठाएंगे और इसको भी उल्टा बना लेंगे तो अभी हम इसको काउंट कर लेते हैं फंदों को एक बार दो चार छ आठ दस बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अठत्तीस उनतालीस चालीस इकतालीस इकतालीस तरतालीस चौतालीस पैतालीस छियालीस सैतालीस अठतालीस पचास ये देखिए फिफ्टी वन फंदे हम हमने यहाँ पर इसके बना लिए हैं काउंट कर लेते हैं दो तो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस चौबीस छत्तीस, अट्ठाइस तीस बत्तीस चौंतीस, छत्तीस अठतीस चालीस बयालीस चौतालीस छियालीस ये देखिए फिफ्टी वन फंदे हमारे इक्यावन फंदे इस साइड में हो गए हैं तो इस साइड के हमारे जो फंदे हैं वो कम रह जाएंगे और जो इसकी बटन पट्टी हम आगे बनाएंगे वो आपको बताएंगे की कि किस तरह से बनाएंगे तो अब हम यहाँ से इसकी बटन पट्टी बनाएंगे धागा आगे करेंगे और सिक्स फंदे इसके बटन पट्टी के बना लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये देखिए सिक्स फंदे इसके बटन पट्टी के हम उल्टे उल्टे फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे दोनों साइड में ही उल्टे उल्टे फंदों के साथ इसकी बटन पट्टी बनाएंगे तो बना ली है अब हम हमारा पैटर्न स्टार्ट करेंगे तीन फंदे उल्टे बना लेंगे वन टू थ्री दो फंदे सीधे वन टू फाइफन उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव दो फंदे सीधे वन टू फाइव उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव फंदे सीधे वन टू फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव दो फंदे सीधे वन टू फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव दो फंदे सीधे सीधे वन टू फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव दो फंदे सीधे वन टू फिर लास्ट में वन टू थ्री फोर फंदे उल्टे एस्टिच सीधा बुन लेंगे अब देखिए हमारी फर्स्ट रॉ जो है वो कंप्लीट हो गई है सेकंड रॉ रौ है रॉन्ग साइड इसको हम उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए हमने इसकी रॉन्ग साइड बना ली है फिर से सीधी साइड में आ गए हैं सिक्स फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब पैटर्न डालेंगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री दो फंदे सीधे वन टू फाइव फंदे उल्टे One, two, three, four, five, दो फंदे सीधे। ये ऐसे ही इस सारी रॉ को बुन लेंगे और इसका एक पैटर्न में आपको डालकर बता देती हूं कि किस तरह से इसको हम सेट करेंगे ये देखिए इस तरह से हमने इस पैटर्न को यहाँ पर सेट किया है ये देखिए इस तरह से तो इसी तरह से हम ऊपर इसके ये देखिए जहां तक हमने इसकी शोल्डर की कटिंग की है उतना इसको बुन लेंगे तो यहाँ पर हमने जो पैटर्न डाले हैं वो देखिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव पैटर्न हमने यहाँ तक डाले हैं जहां तक हमने इसकी शोल्डर की कटिंग की है तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका एक पैटर्न डाल लिया है सेम ऐसे ही हम ऊपर इसके फोर पैटर्न यानी कि चार पैटर्न और डाल लेंगे टोटल हमने ये पांच पैटर्न एक साइड में डालने हैं तो मैं इसके एक पैटर्न हमने बना लिया है चार पैटर्न और टोटल पांच पैटर्न इसके बनाकर आपको आगे बताती हूँ कि कैसे करेंगे ये देखिए हमने इसकी एक साइड कंप्लीट कर ली है यहाँ पर हमारे ये फाइव पैटर्न आएंगे ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव तो हमने ये फाइव पैटर्न इसके कंप्लीट कर लिए हैं अब हम इसकी दूसरी साइड बनाएंगे तो इसमें से जो हमारे फंदे हैं वो सिक्स फंदे हमारे कम हो गए थे क्योंकि हमने यहाँ पर सिक्स फंदे जो हैं, वो हमने बटन पट्टी के इसके रखे थे तो ये इस साइड से हमने सिक्स फंदे इसमें ऐड किए थे तो अब हम ये वाले सिक्स फंदे तो देखिए बटन पट्टी को आगे कैसे बनाएंगे ये एक साइड की हमने इसकी बटन पट्टी और ये साइड बना ली है अब दूसरी साइड बनाएंगे तो देखिए उसमें कैसे करेंगे अब ये हमारी आगे की साइड की जो पैटर्न है पल्ला है वो बन गया है अब पीछे की साइड इसकी बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको ऐसे आगे रखेंगे और यहाँ से पीछे की साइड से यहाँ से ये वाली हमारी जो हमने उल्टी उल्टी इसकी लाइन जो है वो बनाई थी तो उसके यहाँ से हम सिक्स फंदे इसके उठाएंगे तो सिक्स फंदे हम किस तरह से उठाएंगे ये नीचे की साइड से हम ये देखिए इस तरह से इसके सिक्स फंदे उठा लेंगे ये देखिए ये हमारी जो उल्टी लाइन है यहां से सिक्स फंदे उठाएंगे वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये देखिए यहाँ पर हमने इसके टू फोर सिक्स फंदे उठा लिए हैं ये बटन पट्टी के इसके फंदे हैं अब यहाँ से हम धागा ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ये धागा लेंगे और यहां से हम ज्वाइन कर लेंगे इसको पहले यहाँ पर इसकी नोट लगा लेंगे इस तरह से अब इसको बुनना स्टार्ट करेंगे और इस सारी रॉ को हम ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बना लेंगे इस धागे को भी साथ में हम सिक्योर करते हुए जाएंगे हम बाकी के फंदे भी ऐसे ही उल्टे उल्टे बना लेंगे तो इस सारी रॉ को उल्टा-उल्टा बुनकर -उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए हमने इसकी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है सीधी साइड में आ गए हैं तो हमारा पैटर्न जो है वो कैसे सेट करेंगे देखते हैं ये राइट साइड है एसट्री स्लप कर लेंगे धागा आगे करेंगे और फोर फंदे उल्टे बना लेंगे वन टू थ्री फोर दो फंदे सीधे टू फिर एक फंदा उल्टा ये देखिए ये हमारा एक पैटर्न है इसको ही बार बार रिपीट करेंगे इसमें हमने फोर फंदे उल्टे बनाए टू फोर दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा तो फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर दो फंदे सीधे वन टू एक फंदा उल्टा फिर से फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर दो फंदे सीधे वन टू एक फंदा उल्टा फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर दो फंदे सीधे वन टू एक फंदा उल्टा फिर से फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर दो फंदे सीधे वन टू एक फंदा उल्टा अब यहां पर हमारे पास ये सिक्स फंदे हैं ये बटन पट्टी के हैं ये दो फंदे और हैं इनको उल्टा बना लेंगे वन टू और बटन पट्टी के फंदे भी उल्टे ही बना लेंगे ये देखिए ये हमारा पैटर्न जो है वो सेट हो गया है अब रॉन्ग साइड में जाएंगे और इस सारी रॉ को उल्टे उल्टे उल्ट फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए इसे सीधी साइड में आ गए हैं और इस रॉ में हम जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे देखिए फोर फंदे उल्टे दो फंदे सीधे फिर फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव दो फंदे सीधे वन टू फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव दो फंदे सीधे वन टू फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव दो फंदे सीधे वन टू फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव दो फंदे सीधे वन टू अब लास्ट में हमारे पास तीन फंदे उल्टे हैं वन टू थ्री और सिक्स फंदे बटन पट्टी के ये भी उल्टे ही बना लेंगे वन टू थ्री फोर Five, six. ये हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है उल्टे-उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे और यहां पर मैं आपको इसका एक पैटर्न बनाकर दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से हमारा जो इस साइड का पैटर्न है वो सेट हुआ है बाकी के ऊपर हम फाइव पैटर्न सेम ही बना लेंगे ये देखिए हमारा एक पैटर्न इस साइड में भी कंप्लीट हो गया है और इस तरह से हमारा ये पैटर्न इस साइड में सेट हो गया है अब ऐसे ही ऊपर हम इसके फाइव पैटर्न बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी इसके ऊपर आएगी तो यहाँ पर हमने फाइव पैटर्न बनाए हैं तो इस साइड में भी हम इसके फाइव पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर, कर लेते हैं फिर आगे आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी दोनों साइड कंप्लीट कर ली है ये इसके आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है अब हम इसके ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो हमारी बटन पट्टी है ये नीचे की तरफ आएगी और ये ऊपर की तरफ इस तरह से आएगी तो देखिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे का इसका जो भी पैटर्न है वो सीखेंगे तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं ऐसे ही और नए नए वीडियो के साथ बाय फ्रेंड